नमस्ते बहनों, आज हम तोरण बनाने जा रहे हैं। तोरण बनाएंगे हम हरा कलर से पीला कलर से। 1.25 mm क्रोशिया नंबर है। 4 प्लाई का ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए पट्टी बनाना शुरू करते हैं। जो बहने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कोई से भी वीडियो बनाऊंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ग्रीन कलर से तोरण की पट्टी बना रहे हैं, नोट बांध लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 20 चैन लेना है। 5, ये 20 चैन हमने ले लिया है। अब इसे हम 19 ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे रख लिए हैं हाथ। 1, 2, 3 चैन और बना के जहाँ पे 19 हुआ है वहीं से हम फंदे बनाना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया का। अब कुल हमारे आ जाएंगे 20 डबल क्रोशिया के फंदे। देखिए 20 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। चौड़ी पट्टी है। 1, 2, 3 चैन। अब दूसरे वाले फंदे पे डबल क्रोशिया, तीसरे वाले पर 3, 4। एक तो चैन का हो गया, बाकी 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया, 4 हो गया। एक 5, 6। फर्स्ट लाइन में हमारे 20 डबल क्रोशिया के फंदे आए थे, जो ये फर्स्ट वाले। अब हमने 6 बना लिया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैन ले लिया। अब देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डबल क्रोशिया हमें इस साइड बनाना होगा। 6 इस साइड के फंदे हो गए डबल क्रोशिया के, 6 इस साइड के, 6, 6, 12 हो गए, और 8, 20। हम 36 इंच गेट के लिए बना रहे हैं। आप लोगों का जितना बड़ा गेट होगा उस साइज का नाप के बनाना। जो बहनों को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे बनाने में कोई भी फंदे नहीं समझ में आते, वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकती हैं। इंस्टाग्राम आईडी है बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन। देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे लाइन लास्ट तक बनाते हम चले जाएंगे जितना बड़ा गेट है। देखिए ये हमारा बन गया। 36 इंच गेट के नाप से हमने बनाया है। आप लोग जितना बड़ा बनाना चाहते हो बना लेना। लास्ट में 2 लाइन हमने एकदम सेम वैसे बीना है जैसे हमने शुरू में बीना था 20 फंदे का। अब चलिए इसके आगे हम तोरण बनाना बताते हैं। अब येलो कलर से हम बनाना शुरू करेंगे। एक दो तीन चार पांच, 5 हमने चैन ले लिया। लास्ट वाले में ले आके हम ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए इस जो गोला सा लूप बना है इसमें हम 13 फंदे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59,
ग्यारह, 12, ये 13, 13 फंदे बन गए हमारे ये। अभी लास्ट शुरू में जो फर्स्ट वाला है इसमें ले आके हम ज्वाइंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैन हमने लिया। अब ट्रिपल क्रोशिया के फंदे ले लिए, फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले बनाना शुरू करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया एक बन गया हमारा। अब 1, 2 चैन ले लेंगे, फिर इसके आगे वाले में बनाएंगे, फिर 1, 2 चैन ले लेंगे, फिर इसके आगे वाले फंदे में, फिर 2 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया अब आगे वाले फंदे में। ऐसे करके हमें 9 बनाने हैं। देखिए
फर्स्ट वाला चैन 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए हमारे। एक चैन और लेके हम इसे काट देंगे। इसे खींच देंगे। अब देखिए हमारा बन गया। अब इसके आगे हम ग्रीन लगा रहे हैं। अब इसे भी नोट बांध ले रहे हैं। अब देखिए इस फर्स्ट वाले जो बॉक्स हैं इसमें हम लूप में ऐसे साथ में इसको भी बुनाई कर लेंगे। एक दो दो चैन हमने लिया। अब फिर इसमें डबल क्रोशिया, एक चैन का और एक डबल क्रोशिया बनाई, दो, ये तीसरा, ये चार हो गया। अब फिर उसके आगे वाले में बना ले रहे हैं चार। ये बन गया दूसरा। ऐसे करके हम सभी बॉक्स में जो लूप है उसमें चार चार फंदे का डबल क्रोशिया ग्रीन कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। ये चार हो गया। अब एक चैन और लेके इसे तोड़ दें या तो काट लें, कस के इसे खींच दें। देखिए ये बन के टिकरी तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें टिकरियाँ बना लेनी है, क्योंकि दो में दो हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पट्टी को हम फोल्ड कर ले रहे हैं। इसमें हमारे 24 आएंगे, मुझे 24 टिकरियाँ बनानी हैं। ऐसे ही बना के अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए हमने ढेर सारे बना लिए हैं टिकरियाँ। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कैसे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हम बहुत ऐसे पट्टी डाले हैं कि चैन का बॉर्डर बनाए हैं। अगर जो बहनें नहीं वो पट्टी को अभी देख पाई हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लेना। ऐसे ही बॉर्डर बना देना। अब देखिए आधा हमें बनाना है, आधा हमें फोल्ड कर लिया है। आप लोगों को दिखाने के लिए अभी बता रही हूँ। अब ये ठिकरी क्या करेंगे, एकदम ऐसे ही बराबर बराबर पहले कर लेंगे। देखो कितने बैठते हैं, छोटा नहीं है, 36 इंच का घेट है। तो आप लोगों को अगर इससे भी बड़ा होगा तो जितनी ठिकरी हमारी बैठ रही है एकदम ऐसे बैठाना है। आप लोग जब बनाने लगना तो उतनी बनाना। हमारी एक लाइन में 6 बन रही है, 2 4 6। अब देखो इसके आगे हमें ऐसे टक कर लेना है। अभी हम टाकना भी आपको बस दिखा रहे हैं। ऐसे ही रख देंगे, बहुत अच्छा सा कलर भी आया है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन जो मैं बनाती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। अब ऐसे ही कर लेना है, ऐसे ही। अब देखिए 1 2 3 4, चार यहाँ पे रख लेंगे, तीन रख लेंगे, फिर दो रख लेंगे, फिर एक रख लेंगे। अब टक करना हम आपको दिखाते हैं। देखिए पट्टी को हटा ले रहे हैं। अब यहाँ से हम उठा रहे हैं, इसको ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ कोने से देखिए ले लेंगे। जिस कलर के बॉर्डर हमने बनाया है उसी कलर का आप लोग ऊन इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ग्रीन कलर के लिए हूँ। अगर ग्रीन कलर का ऊन या जिस कलर से आप लोग बनाना चाहते हो बना सकते हो, और ना हो तो रील का धागा भी अगर उस कलर का मैचिंग हो तो उससे भी बना सकते हो। ऐसे दो तीन बार अगर टक कर दोगे तो ये निकलने का डर नहीं रहेगा। देखिए इसको हमने बना लिया। अब इसे काट देंगे। अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, फिर इसके नीचे यहाँ पे टक कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे। अभी मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने लास्ट तक जोड़ लिया।
ये हमारे सभी जुड़ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, 1 2 3, 1 2 1। अब देखिए इसे हम सीधा तरफ कर ले रहे हैं, देखिए बहुत प्यारा आया है, आप लोग देख सकते हो। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता रही हूँ, ये और प्यारा लगने लगेगा। जैसे आप लोगों के पास मोतियां हों तो इन पे टक कर लेना, बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये, इतनी सुंदर लग रही है, ऐसे ही सब पे हम टांक लेंगे, बहुत सुंदर लग रही है। अब चलिए, अब पट्टी में टांकना हम बता रहे हैं आपको। इस साइड हमने बॉर्डर बनाया है, इस साइड हम टक करेंगे पट्टी को, इसको तोरण को। अब इसे उल्टा टाइप में कर ले रहे हैं, हाफ करना है ऐसे पट्टी को। अब ऐसे इसको लेना है, यहाँ पे हाफ हो गया। अब यहीं से हम टक करना शुरू करेंगे, पहले एक टाका यहाँ पे लगा दे रहे हैं जिससे आगे पीछे ना हो, आगे पीछे हो जाता है तब झोल आ जाती है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना होगा। यहाँ पे टाक लिए, इसको आप लोग 2 3 बार टांक लेना, क्योंकि हम जब मोती लगाएंगे तो फिर से इसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसको और टाइट से हम टांकेंगे। जैसे जो बहनों को चाहिए होता है, देखती है ना तो ऑर्डर करके मंगाती हैं, हम सेल भी करते हैं। और जो जिसको अगर लेना हो वो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें, हम ऑनलाइन इसे भेजते हैं। ऐसे कर लें, क्योंकि अगर हम एक दो टक पे ऐसे कर देंगे तो एक दो वास में ये खुल जाता है, इसलिए हम इसे अच्छे से करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए जल्दी जल्दी दिखाना हो जाता है हमें, आप लोगों को माफी चाहती हूँ। वीडियो बीच बीच में नहीं आती है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, ठंडी के सीजन है या बाकी वैसे भी कभी कभी, जानते हो जो बहनें हमारी एज की होंगी, बनाती होंगी करती होंगी वो देखती होंगी, तो जानती हो कितनी प्रॉब्लम घर में आ जाती है कभी कभी, घर परिवार में रहते भी हैं और उस बीच में नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। बीच बीच में वीडियो नहीं आती है, मगर हाँ जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सेल करना होता है, मैं प्रॉपर अच्छे ढंग से वो बनाती हूँ कि जिससे कोई भी बहने बनाए तो बेकार ना जाए और अच्छे से सबका बन जाए, इसीलिए मैं खराब कोई सा भी नहीं डालती हूं मैं। अब ऐसे ही हम और एक दो ठी टांक लेंगे, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। देखिए हमने ये बना लिया, खूब अच्छे से टक कर लिया है, अब इसे सीधा तरफ कर ले रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से पैटर्न आया है बहनों, आप लोग अपने कलर के हिसाब से बनाना जरूर, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा मुझे तो कलर लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे कि मैं कहती हूँ कि बिना झलरी के तो तोरण अच्छी नहीं होती, तो अब इसके हम झलरियाँ आप लोगों को लगाना बताते हैं। जैसे मैंने इस साइड बनाया है सेम इस साइड भी आप लोग बना लेना, मैंने ढेर सारी झलरियाँ बना के भी रख ली है, अभी मैं टक कर लूंगी। आप लोग बोलते हो थंबनेल पूरा पूरा आप डाले डाला करें, इसको टांकने में करने में बहुत देरी हो जाती है, इसलिए मैं आधा प्रिय एकदम अच्छे से पूरा बना के आप लोगों को दे देती हूँ, फिर इसको इत्मीनान से आधा मैं बनाती हूँ। चलिए अब इसकी हम झलरियाँ बनाना शुरू करते हैं। झलरी हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ बांध लिए हैं, 1 2 3 तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, 12 हमने चैन लिया, ये 13 यहाँ पे ले आके ज्वाइंट कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 हमने झलरी बनाया, फिर ले आके यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, 1 2 3 4 5
सात आठ नौ दस 11 12 13। देखिए इसको झलरी भी लगा सकते हो, बगैर झलरी का भी अच्छा लगेगा। आप लोगों को जैसे बनाने के बाद जो अच्छा लगेगा आप लोग बना सकते हो। अब इसके देखिए खूब हाथ फैला के झलरी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 20 25 बार हमने लपेटा है। 25 के दूना 50 हो जाएगा, क्योंकि खूब मोटी मोटी झलरियाँ अच्छी लगेंगी तभी भरी रहेंगी। अब इसे हम बराबर कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर भी दोनों हमें बराबर से पकड़ना होता है। एक बार और कर लेना, टूट गया है। देखिए ये झलरी यहाँ पे एक लगाए हैं, ग्रीन कलर यहाँ लगा लेना आप लोग। ऐसे ही करके पूरा हमारा ये तैयार होगा। अगर ये तोरण की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ खूब शेयर करना। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।